हेलो ब्रन, वेलकम बैक टू सुकांत ड्यूब ट्यूटोरियल। लखनतु बंधु गण, ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023-24 पिलांग पई बहुत बड़ा खुशी खबर आसीगला। स्टेट स्कॉलरशिप रो न्यू अप्लाई एवं रिन्यूअल इन न्यू कोर्स आवेदन तारीख केबे थारु पिला माने न्यू अप्लाई करिवे एवं लास्ट डेट केबे इंस्टिट्यूट लेवल अप्रूवल एवं डिस्ट्रिक्ट लेवल सैंक्शन लास्ट डेट केबे ता सहित केउ पिला माने न्यू अप्लाई करिवे एवं रिन्यूअल इन न्यू कोर्स अप्लाई करिवे से नै एई बडा माध्यम रे डिटेल्स आलोचना करिबा। तेणु समस्त वीडियो को शेष पर्यंत देखा सहित जो मैंने भी वीडियो देखुंट वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु। ता सहित जदि आपण मैंने प्रथम थर करी आम यूट्यूब चैनल को व्यू करछंती तो आम चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑल सेट कर दिंतु, जहाँफल कि सब प्रकार स्कॉलरशिप अपडेट सहित एजुकेशनल अपडेट सर्वप्रथमे आपण मैंने आम चैनल मध्यम पाई। आसंतु पिला माने वीडियो टी स्टार्ट करिबा। देखंतु पिला माने समस्त पिला मानक पई बहुत बड़ा खुशी खबर। बहुत पिला माने अपेक्षा करथिले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जेउटा को अधिकांश पिला माने कहउछंती स्टेट स्कॉलरशिप पूर्व थिला प्रेरणा स्कॉलरशिप तहार 2023-24 सेक्शन पई न्यू अप्लाई एवं रिन्यूअल इन न्यू कोर्स अप्लाई केबे थारु आरंभ हेबो। तो फाइनली पिला मानक पई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अर्थात स्टेट स्कॉलरशिप रो न्यू अप्लाई रिन्यूअल इन न्यू कोर्स अप्लाई पे डेट आसी जारी। तो डेट कौन रही सहित क्यों पिला माने अप्लाई करि परिबे से नै ऑफिशियल नोटिफिकेशन माध्यम रे डिटेल्स आलोचना करिबा। देखंतु पिला माने स्क्रीन आगे देखि परथुबे ए ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी ओडिसा सरकारक अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति उन्नयन एवं संख्यालघु संप्रदाय और पछुआ वर्ग कल्याण विभाग तरफ रिलीज कर अर्थात ओडिशा सरकार अधीनस्थ एस टी एंड एस सी एंड एम बी सोल्फा डिपार्टमेंट तरफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज कर। तो कौन पर रिलीज कर स्क्रीन आगे देखि पारथुबे ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल अर्थात राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल निमंते रिलीज कर। तो इन कौन रही अपडेट आसतु आलोचना करवा। आपण मैंने सब स्क्रीन आगे देखि पारथुबे राज्य भितर एवं बाहर पड़ुता योग्य अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अन्यान्य पछुआ वर्ग सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में अनग्रसर वर्ग आर्थिक क्षेत्र में अनग्रसर वर्ग छात्री मानकर ऑनलाइन रे नूतन पाठ्यक्रम निमन्ते पंजीकरण एवं नवीकरण पाई ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टाल माध्यम रे जोटा को आम कहे ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल माध्यम रे आह्वान करा जाउछि। नूतन भाव रे पंजीकरण निमन्ते छात्री माने निजर आधार सहित आवेदन करिवे एवं सेथिपाई तांकर रजिस्टर्ड मोबाइल को ओटीपी आसीबो एवं तापरे आवेदनकारी मानकर सपक्ष रे नूतन आईडी सृष्टि हेबो। समस्त योग्य छात्रती मानकु अनुरोध सेमाने दिया जाइथिबा यूआरएल www.scholarship.odisha.gov.in रे मैट्रिक परवर्ती छात्रवृत्ति पाई नूतन पंजीकरण एवं नवीकरण नूतन पाठ्यक्रम रे करी परिबे अर्थात आपण मानकु जणै दउछि एकेडमी सेक्शन 2023-24 पई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जेउटा को अधिकांश पिला माने कहउछन्ती स्टेट स्कॉलरशिप पूर्व थिला प्रेरणा स्कॉलरशिप से स्टेट स्कॉलरशिप रो न्यू अप्लाई एवं रिन्यूअल इन न्यू कोर्स अप्लाई पे डेट आसी सारिछि। तो छात्रत्री माने ओडिसा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल को जाई कि से माने न्यू अप्लाई करि परिबे नहले रिन्यूअल इन न्यू कोर्स पई से माने अप्लाई करि परिबे। बुझा पइला? तो अप्लाई डेट कोन रहिछि एवं केउ माने अप्लाई करि परिबे से आपण मानको जणै दउछि। देखंतु पिला माने प्रथम कोन रहिछि, प्रथम रहिछि मैट्रिक परवर्ती छात्रवृत्ति पाइबा पई योग्यता अर्थात मैट्रिक परवर्ती छात्रवृत्ति होउछि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को अप्लाई करबा पई एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टंका पाइबा पई योग्यता कोन रहिबा आवश्यक देखि परते स्क्रीन अगरे। प्रथम रहिछि आवेदनकारी माने एसटी एससी ओबीसी एससीबीसी एवं एबीसी कैटेगरी रु बिलोंग करथिबा आवश्यक बुझा पइला। किंतु जनरल पिला माने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को अप्लाई करि परिबे नै किंतु अदर सब स्कॉलरशिप को अप्लाई करि परिबे बुझा पइला। ता सहित से माने ओडिसा रो स्थायी बासिंदा होइथिबा आवश्यक बुझि पइलो। द्वितीय पॉइंट रहिछि से सरकारी किंबा सरकारी स्वीकृति प्राप्त कोनोसी शिक्षानुष्ठान जमिति कि जनरल कोर्स करथिबे किंबा टेक्निकल कोर्स करथिबे किंबा प्रोफेशनल कोर्स करथिले अप्लाई करि पाइबो अर्थात आपण मानको जणै दउछि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को 10th परे जे कोनोसी गोटे कोर्स करथिले अप्लाई करि परिबे से प्लस 2 हो प्लस 3 पीजी आईटी डिप्लोमा बीटेक जे कोनोसी कोर्स रहिछि त अप्लाई करि परिबे कोनोसी सरकारी किंबा सरकारी स्वीकृति प्राप्त शिक्षानुष्ठान पढुथिबे बुझा पइला। तबे तृतीय पॉइंट रहिछि समस्त सूत्र रु
परिवार वार्षिक इनकम केत रवश्यक 2,50,000 रवश्यक अधिक हेल्ले आप्लाय करेंगे ना पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप को बुझा पड़ा। तापर चार नंबर पॉइंट रही, चार नंबर पॉइंट कह से जो पे अप्लाय करेंगे, जो पे अप्लाय करने योग्य होती लास्ट एग्जाम अर्थात पूर्व एग्जाम 50% मार्क रहा आवश्यक। 50% मार्क जब आप कम रखि थे तो आप्लाय करेंगे ना, जब 50% रु अधिक मार्क रखि थे तो पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप को अप्लाई कर पारे। बुझा पड़ा केवल पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप नुहे, जब तुम जो गोटे स्कॉलरशिप अप्लाई कर से आपको लास्ट एग्जाम 50% कि अधिक मार्क आवश्यक ना अप्लाई करेंगे ना। बुझा पड़ा तो पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप को अप्लाई करने और पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप टाइम पाइबा योग्यता कौन रहा आवश्यक। बुझा पड़ा तापर आपण जन दूसरी पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप अर्थात स्टेट स्कॉलरशिप न्यू अप्लाई डेट कौन रही, अप्लाई करेंगे लास्ट डेट के इंस्टिट्यूट लेवल अप्रूवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल सैंक्शन लास्ट डेट के रही से नहीं आपको जनई दूसरी। देखो पे स्क्रीन आगे देखिपे प्रथम रही क्रमिक नंबर अर्थात सीरीयल नंबर, ताकि रही कार्यक्रम, ताकि रही तारीख। तो आसत डेडलाइन गुड़ आलोचना करवा। प्रथम एक नंबर रही दरखास्त आवेदन निम्ते पोर्टाल खोलिबा तारीख, अर्थात आपण मानक जनई दौर पाने के पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप अर्थात स्टेट स्कॉलरशिप न्यू अप्लाय करेंगे और रिन्यूअल इन न्यू कोर्स अप्लाय करेंगे। स्क्रीन आगे देख पारे पोर्टाल खोलिबा अर्थात से पाने पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप को अप्लाय करेंगे। केवे ठार ना 15 नवंबर 2023 पाने पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप न्यू अप्लाय करेंगे और रिन्यूअल इन न्यू कोर्स अप्लाय करेंगे। तो क्यों पाने न्यू अप्लाय करेंगे और क्यों पाने रिन्यूअल इन न्यू कोर्स अप्लाय करेंगे से नहीं आपण मानक जनईदेवि। बुझा पाला कहीं भी व्यस्त न हो कि समस्ते चैनल को सब्सक्राइब कर रखि था। प्रथम रहा पाने 15 नवंबर 2023 पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप को अप्लाई करी परिबे न्यू अप्लाई एवं रिन्यूअल इन न्यू कोर्स। बुझा पड़ा द्वितीय रही दुई नंबर आपण मानक लास्ट डेट के पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप न्यू अप्लाई एवं रिन्यूअल इन न्यू कोर्स। स्क्रीन रही पार्थे दरखास्त आवेदन करने निम्ते शेष तारीख केवे रही 20 डिसेंबर 2023 अर्थात आपण मानक बहुत समय अच्छी, कहीं भी व्यस्त न हो कि समस्ते अपेक्षा करूँ। आपण मैंने कास्ट और रेसीडेंट इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करनी वैलिडिटी थी आवश्यक। बुझा पड़ा सब जिन क्लीयर करके आपने स्कॉलरशिप को अप्लाई करूँ, कौन सब आवश्यक हम से नहीं आपण मैं जन। बुझा पड़ा तो पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप अर्थात स्टेट स्कॉलरशिप न्यू अप्लाई 15 नवंबर स्टार्ट होती, लास्ट डेट 20 डिसेंबर 2023 रही। बुझा पड़ा तो आपण मैंने अप्लाई करेंगे, अप्लाई पर आपण आप्लिकेसन को प्रथम आपण कॉलेज वेरीफाई कर, कॉलेज कौन कर आपण आप्लिकेसन को अप्रूवल कर। देखिप स्क्रीन आगे तीन नंबर पॉइंट रही दरखास्त गुड़िक अनुष्ठान द्वारा जांच करल कर, लास्ट डेट के 20 जनवरी 2023 रही। तो आपण मैंने केवल अप्लाई करूँ, आपण आप्लिकेसन अटोमेटिक आपण कॉलेज वेरीफाई कर, किसी प्रोब्लेम किसी भी हाथ मार आवश्यक नहीं, आप केवल अप्लाई करते ठीक भाव में जमी कि आप्लिकेसन टी रिवर्ट हे ना। बुझा पाला तो जो आप कॉलेज वेरीफाई करदे आप्लिकेसन को आप्लिकेसन टी डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरीफाई। बुझा पाला स्क्रीन आगे पार्थे चार नंबर पॉइंट रही डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरीफाई हम। बुझा पाला तो डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरीफाई करेंगे, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जी अच्छा DWO से आप्लिकेसन को सैंक्शन करेंगे। सैंक्शन लास्ट डेट के देखिए अनलाइन ही सैंक्शन कर, लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 होता अटोमेटिक आप्लिकेसन ठीक भाव में अप्लाई करेंगे। बुझा पाला तो अप्लाई निहती भाव में आपंकर आधार टी आवश्यक, आधार मैंडेटरी रही, आधार आपंकर मोबाइल नंबर लिंक रही आवश्यक। जब आप न्यू अप्लाई करी रिन्यूअल न्यू कोर्स अप्लाई कर आधार निश्चित भाव आवश्यक, आधार मोबाइल नंबर लिंक रही आवश्यक, सहित आपण आधार कार्ड में बैंक लिंक रही आवश्यक। अर्थात जब कह डीबीटी आम जो कहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम से पाला स्कॉलरशिप टाइम मिलती, तो आपंक अकाउंट में आधार लिंक रही आवश्यक। देखो जमी आपको इनफर्मेशन प्रदान कर देखिपे डबल आई पॉइंट रही भारत सरकार नियम अनुसार जो पे स्कॉलरशिप पाइबा योग्य अटंती स्कॉलरशिप टंका सेमानकर आधार लिंक बैंक अकाउंट को ही पठाई दिया जाए, अर्थात जोटा आम कहते डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम से पिला अकाउंट को स्कॉलरशिप टंका आसीब, अर्थात आपण आधार कार्ड में जो बैंक लिंक थी से ही अकाउंट की आपको स्कॉलरशिप टंका आसीब। जदि भी आपने चेक करने को चाहते आपण आधार कार्ड में बैंक लिंक अच्छी कि ना जोटा आम कहे डीबीटी बोली, तो आप चेक करने को लिंक नहीं कौन करेंगे गुगुल सर्च करके आपने चेक करेंगे आपण आधार कार्ड में बैंक लिंक अच्छी कि ना। बुझा पड़ा जब आप चेक न करें ए रिगार्डिंग वीडियो आम चैनल अपलोड हम कहीं भी व्यस्त न हो कि समस्त अपेक्षा करूँ। जदि आपण आधार कार्ड में बैंक लिंक नहीं, यथाशीघ्र बैंक सहित कंटाक्ट करके आपने लिंक कराई नि। बुझा पड़ा
आईपॉड रे आपन रहला कोन ना आधार निश्चित भाबे मैंडेटरी रहउची स्कॉलरशिप अप्लाई करबा कोले आपन को पाखरे आधार कार्ड रहिबा नियति आवश्यक। द्वितीय पॉइंट रहिस कोन ना आधार सहित बैंक लिंक रहिबा आवश्यक। तृतीय पॉइंट कोन रहिस स्क्रीन आदि परथुबे तृतीय पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहिस छात्रवृत्ति अप्लाई समय रे जदी आपन माने डे स्कॉलर किबा हॉस्टल रे अप्लाई करछंती अप्लाई समय रे आपन माने जो बैंक संबंधित तथ्य जेंति रहिला अकाउंट नंबर हौ किबा आईएफएससी कोड एवं शाखा नेम आपन ठीक भाबे देबे जदी आपन भूल दियंती तो जदी आपन को स्कॉलरशिप टंका कोनोसी अन्य पिला अकाउंट को जाउची यदि तो सेति पई विभाग दायी रहिबो नाही तनो जते बळी अप्लाई करिवे ठीक बा अप्लाई करिवे केहि भी व्यस्त हेबे नाही। तो आशा करिवि ए वीडियो माध्यम रे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन गुडी को प्रोवाइड करि परथिबि जहा भी इन्फॉर्मेशन होइला अलगा किछ इन्फॉर्मेशन केउ पिला माने अप्लाई करि परिबे किपरि अप्लाई करिबे केउ कैटेगरी पिला माने अप्लाई करिबे जदि लास्ट एग्जाम रे 50% मार्क नथिबो केमिति अप्लाई करिवे से रिगार्डिंग मध्ये अन्य वीडियो माध्यम रे आलोचना करिबा सेति पर्यंत सब्सक्राइब कर किथांतु किंतु बहुत पिला मान को डाउट रहिछि डाउटी कोन रहिछि तो आपन मान को मध्ये आउथर जणि दउछि न्यू अप्लाई एवं रिन्यूअल इन न्यू कोर्स केउ माने अप्लाई करिबे से नै आपन मान को जणि दउछि। देखंतु पिला माने प्रथमे आपन मान को जणि दउछि न्यू अप्लाई केउ माने करिबे तो देखंतु पिला माने जेउ पिला माने केबे भी ओडिसा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल अंडर रे कोनोसी स्कॉलरशिप अप्लाई करिनथिबे से माने न्यू अप्लाई करि परिबे जेमिति कि आपन माने सब जानिथिबे पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप अर्थात स्टेट स्कॉलरशिप को 10th परे जे कोनोसी गोटे कोर्स करथिले अप्लाई करि परिबे तो जेउ पिला माने 2000 रे 23-24 सेक्शन रे कोनोसी कोर्स रे एडमिशन करथिबे फर्स्ट इयर रे तो सेमाने ही न्यू अप्लाई करि परिबे बुझा पहिला मने कर गोटे पिला 10th पास हि सारिछि 10th पास से कि से प्लस 2 रे एडमिशन करिछि किंबा से आईटीए रे एडमिशन करिछि फर्स्ट इयर रे 2023-24 सेक्शन रे से ही केवल न्यू अप्लाई करि परिबो बुझा पहिला ता सहित केवल प्लस टू आईटीआई कथा नुहे 10th पर आपण माने जे कोनो कोर्स रे एडमिशन करथिले न्यू अप्लाई करि परिबे। तापर नेक्स्ट रहिला आपण जणि दउछि रिन्यूअल इन न्यू कोर्स रिन्यूअल रे न्यू कोर्स के माने करिबे आपण जणि दउछि जेउ पिला माने प्लस टू रे एडमिशन करिकि फर्स्ट इयर रे स्कॉलरशिप टंका पाइथिबे सेकंड रे को से माने रिन्यूअल इन सेम कोर्स करिकि मध्ये स्कॉलरशिप टंका पाइथिबे से प्लस टू पास हि सारिकि से प्लस थ्री रे बे एडमिशन करथिबे 2023-24 सेक्शन रे तो से कोन करिबे से माने केवल रिन्यूअल इन न्यू कोर्स ही से माने करिबे न्यू अप्लाई करि परिबे नै से माने रिन्यूअल इन न्यू कोर्स करिबे बुझा पाले डाउट क्लियर होला केवल प्लस टू प्लस थ्री कथा कहूनी 10th परे जे कोनसी गोटे कोर्स करथले आपन माने अप्लाई करि परिबे न्यू अप्लाई के माने करिबे बुझा पाला जेउ पिला माने केबे भी ओडिसा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल अंडर रे किछि भी स्कॉलरशिप अप्लाई करनथिबे से माने न्यू अप्लाई करि परिबे रिन्यूअल इन न्यू कोर्स तो केउ माने करि परिबे जेउ पिला माने पूर्व वर्ष जेउ कोर्स करथिबे जदि से कोर्स कंप्लीट हे सारिथिबो से माने न्यू कोर्स रे 2023-24 सेक्शन रे एडमिशन करथिबे से माने रिन्यूअल इन न्यू कोर्स रे अप्लाई करि परिबे। तो आशा करिबि ए वीडियो माध्यम रे आपन मान को डिटेल्स इन्फॉर्मेशन गुड़िक प्रोवाइड करि परथिबि तो जेउ पिला मानंकु आजर भिडियोटी भल लागथिबो निश्चय बे लाइक करिबे सबु सांग मानंकु शेयर कर दियंतु जणि दियंतु पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप रो न्यू अप्लाई आसी जारिछि जदि भी आजर भिडियोटी आपन मानंकु भल लागथिबो ता सहित जदि भी आपन मानकर स्टेट स्कॉलरशिप रिगार्डिंग सबु इन्फॉर्मेशन आवश्यक तो समस्त हम चैनल को सब्सक्राइब करि परिबे जदि भी आजर भिडियो माध्यम रे किछि भी इन्फॉर्मेशन पाइ परथिबे किछि भी हेल्पफुल हे परथिबो निश्चय बे लाइक करिबे शेयर करिबे एवं सब्सक्राइब करिबे। वंदे उत्कल जननी।